हेलो, वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स के टेस्टी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल इन कर्ड ग्रेवी। ये एक खट्टा मीठा रेसिपी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनाना होगा, मस्टर्ड पेस्ट। यहाँ पर मैंने सरसों के दाने लिए हैं, 1.5 टीस्पून, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ। इसे हम पीस कर पेस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ पर सिलबट्टे में इसे पीसूंगी, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। मस्टर्ड ग्रेवी को हम ओडिया में बेसरव कहते हैं। बहुत सारे डिशेस में हम इसका यूज करते हैं। तो लीजिए, हमारा पेस्ट रेडी है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप अगर ग्राइंड कर रहे हैं तो फिर पहले सूखा ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी देके फिर ग्राइंड कीजिए। तो चलिए, कर्ड का एक बेस हम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कर्ड लिया है। खट्टा दही घर में बना हुआ वो हम यहाँ पर 1 कप लेंगे और उसमें हमारा जो मस्टर्ड पेस्ट हमने बनाया था उसको मिक्स कर देंगे। और भी कुछ चीज़ें इसमें डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी के साथ डाल दिया है और 1/2 टीस्पून बेसन डालेंगे। ये नॉर्मल बेसन है, भुना हुआ बेसन नहीं है, 1/2 टीस्पून ही हमें चाहिए। और नमक स्वाद अनुसार, खट्टा दही है इसलिए मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले लें। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया है और मिर्च पाउडर भी 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा गुड़ हम डालेंगे वो भी 1/2 टीस्पून। ये मैंने आंबूला लिया है, यानी ड्राई मैंगो। मैंगो को सुखा के इस तरह से हम ले लेते हैं। हर खट्टी चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। आप इसकी जगह पर, आंबूला की जगह पर ड्राई मैंगो पाउडर यानी अमचूर 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। इससे पहले इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 1 कप कर्ड के लिए हम 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे पतला बना लेंगे। इस तरह से आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1 घंटे पहले इसको रख सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे तो आपके ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए, हमने मस्टर्ड पेस्ट बनाया और दही में घोल के इसे रख दिया। अब पाइनएप्पल की बारी। कढ़ाई को गरम करके हम थोड़ा सा यानी 1/2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल थोड़ा गरम हो जाए उसमें हम 250 ग्राम पाइनएप्पल के पीसेस डालेंगे। पाइनएप्पल को अच्छे से कट करके उसका जो सर्कल है उसे 4 पीसेस में कट कर लिया है। ज़्यादा मोटे नहीं, पतले पतले पीसेस हमने कट कर लिया है, मीडियम साइज के पीसेस हमने लिया है। और उसे थोड़ा सा नमक डाल के हम कुछ देर पका लेंगे। पाइनएप्पल से पानी निकलेगा और फिर पक जाएगा पाइनएप्पल। उसके बाद थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाएगा, पाइनएप्पल में जो शुगर है वो निकल जाएगा और पाइनएप्पल के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसे हम ढक के पका लेंगे, कुछ देर खुला पकाएंगे, पानी जैसे ही निकलेगा हम इसे ढककर पका लेंगे पकने तक। बहुत ज़्यादा हमें इसे मैश नहीं करना, बस इतना ही पकाना है कि पाइनएप्पल अच्छे से कट हो जाए।
लेके इस तरह से पाइनएप्पल हमारा रेडी हो गया है, सारा पानी सूख गया और फिर पाइनएप्पल में अच्छा सा कलर आ गया। थोड़ा सा कलर चाहिए हमें और देखिए थोड़ा सा हल्के से दबाने पर भी पाइनएप्पल अच्छे से पीसेस हो रहा है। अब इसे निकाल के अलग रख देंगे और उसी कढ़ाई में हाफ टेबल स्पून ऑयल हम डालेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कम तेल में बनने वाला रेसिपी है। यहाँ मैं पंचफूटन डालूंगी। पंचफूटन की रेसिपी मैंने अपने प्लेलिस्ट में रखा है, आप उससे चेक कर सकते हैं। दो हरी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ते हम इसमें डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जैसे ही अच्छा सा खुशबू आ जाएगा, एक मीडियम साइज का टमाटर स्लाइस करके हम इसमें डालेंगे और फिर टमाटर को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा ढक के इसे पकाने के बाद इस तरह से मैश कर लेंगे और हमारा जो कॉर्ड ग्रेवी हमने तैयार करके रखा था उसे डालेंगे। तो इस तरह से हमने कॉर्ड को पूरा डाला। हाई फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। आप इसे चलाना बंद मत कीजिएगा जब तक कि इसका एक उबाल ना आ जाए। हमें तब तक कंटिन्यूसली इसको स्टर करना ही है। पंचफूटन फाइव स्पाइस रेसिपी है, बस उसमें हमने सरसों, जीरा, मेथी, काला जीरा और सौंफ मिक्स किया है। ये आप इजीली घर पर बना सकते हैं और उसका एक अलग सा एरोमा आता है। आप अगर ये सब चीज़ें ना पाए तो खाली सरसों जीरा डालकर भी बना सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए, मैंने पंचफूटन बनाना सिखाया है और देखिए किस तरह से अच्छा सा एक उबाल आ रहा है। अच्छा उबाल आने के बाद भी हमें 2-3 मिनट इसको हाई फ्लेम में इस तरह से पका लेना है। हमने इसमें बेसन डाला है जो कि ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर लेगा। देखिए अच्छा सा बॉयल हो गया और थोड़ी देर के लिए हमने इसे ऐसे ही पका लिया। अब हम इसमें सोटे करके रखा हुआ पाइनएप्पल पीसेस डाल देंगे और फिर हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए इसे इस तरह से बॉईल होने देंगे। एक बहुत अच्छा सा उबाल आ जाए उसके बाद आप आंच को कम करके इसे पका सकते हैं। 5-7 मिनट में आपका पाइनएप्पल करी रेडी हो जाएगा। 5-7 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबलने देंगे। कम आंच करके खुला रख के इसको उबालते हुए हम पका लेंगे। पाइनएप्पल पहले से ही हमने सोटे कर लिया था, पका लिया था, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर जो कच्चा बेसन हमने डाला है उसे भी पकना है। तो कर्ड, कच्चा बेसन और जो बेसर हमने दिया है, मस्टर्ड पेस्ट हमने दिया है, उन सबको अच्छे से पका लेंगे। आपको कितना गाढ़ा रखना है ये आप पर डिपेंड करता है, पर नॉर्मली पाइनएप्पल करी इतना गाढ़ा होना चाहिए कि एक स्पून अगर उसमें डालें तो एक पतला सा कोटिंग बन जाना चाहिए। स्पून के पीछे एक पतला सा कोटिंग बन जाए। इसे हम राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और लीजिए इस तरह से हमारा पाइनएप्पल करी रेडी है। आप ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हार्टी कर्नर्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।